भाई आज हमने जो करवा चौथ की शॉपिंग करनी थी कर ली। अच्छा मैं मेहंदी बाहर से लगवाऊं या तुम लोग लगाओगे मेरी मेहंदी? हम लगा देंगे, हम लगा देंगे। अच्छी से लगवानी, यहाँ से लगवाऊंगी मैं, पर यही यही नहीं लगवाऊंगी यहाँ यहाँ से। चल चल ठीक है ठीक है, तो तू एक काम कर हमसे ही लगवा ली। क्यों? लक्ष्मी नगर ऑलमोस्ट दिल्ली में सारे उत्तराखंडी लोग तो रहते ही है, लक्ष्मी नगर में ऐसा है कि गढ़वाली रहते हैं स्पेशली लक्ष्मी नगर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। जो वॉचिंग प्रियंका आर्या, हम लोग आए हैं लक्ष्मी नगर मार्केट में। तो आज तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू को शॉपिंग करनी है ये करवा चौक की, और बहुत बढ़िया मार्केट है भाई, रौनकिया मार्केट। जहाँ तक देखो वहाँ तक झालर है भाई, ये मार्केट खत्म ही नहीं है। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, डिसाइड कर लिया। अबे बहुत देर से घुमा रही मीनू तू, ये ले ले मीनू, मिल गए फाइनली दिस वन। पर काम तो एक ही दिन का है आपका, एक दिन का। कुंदन वाले 300 वाले, बाकी बिना विदाउट कुंदन 250 बोला ना। कुंदन कुंदन के प्राइस बढ़ गए, विदाउट कुंदन 250 वाला है। मतलब ये वाला 250 का है अगर ये विदाउट कुंदन है। विद कुंदन है भाई ये मेरे को ना। अच्छा ये कुंदन वाला है। चंद दिनों में मामला तय हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने पैसे लेके चले जाना। नहीं इसमें भी बीच में कुंदन के उसमें नहीं कहा, बाकी मैं बताऊं कुंदन ने मुंडन करा दिया है। ये ले लो, डिजाइन सब पे सेम है, लेस का फर्क है बस। कुंदन का काम हो रहा होगा उसमें, काफी सामान ले लिया हमने। वेरी सिंपल। क्या खाओगे? पिज्जा तो हम लोग ठोस चुके हैं, पर ये इन्होंने रेत में डाल के बनाया है ये गार्लिक ब्रेड। बजरी में इतना गंदा दिख रहा है ये। सागर कह रहा है अगर खाने में टेस्टी नहीं हो तो बजरी में दोबारा डाल दूंगा वापस। नौबत तो नहीं पड़ेगी बजरी में डाल के। जायका सर, टिशू आप इसे क्या अपने सर में घुसू? सर छोटी सी बात का क्यों बना रहे हो इशू? जल्दी लग रहा है टिशू, जल्दी लगाओ। कहाँ पी के बैठे हो यहाँ पर? मीनू कुछ पूछ रही मेरे से। क्या पूछ रही थी तू? इसने पूछा कि ब्लॉग अपलोड हो गया। हो गया ब्लॉग अपलोड हो गया। आज हम शॉपिंग में रह गए ना, तो और ये कैमरा अब जरा ठीक हो गया, इसमें थोड़ी सेटिंग वेटिंग छेड़ी है या शायद इसका ग्लास थोड़ा सा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ अब हम लोग घर जा रहे हैं, आज थोड़ा शॉपिंग में रह गए तो हम ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाए। चले लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चल चल घर को निकल चल। भाई आज हमने जो करवा चौथ की शॉपिंग करनी थी कर ली, हो गई भी तुम्हारी सारी शॉपिंग? हुई दिए रह गए, अब जलाने को तो हमारा दिल भी है, दिए क्या जला रहे हो? हम लगा देंगे, अच्छी से लगवानी, यहाँ से लगवाऊंगी मैं, यही यही। चल चल ठीक है ठीक है, तो तू एक काम कर हमसे ही लगवा ली। बाएं हाथ का खेल, एक हाथ का मैं बाहर से लगवा लूंगी, एक हाथ तुम लगा लो। एक हाथ में पहले मैं रिस्क ले लूंगी। तू तू मेरे हाथ की लगी हुई देखेगी ना अगर, तो तू बोलेगी दूसरे में भी लगा दे। पिछले बार भी तो मैंने तेरे से लगवाई। भाई मेरा एक सवाल है, बंदर को किसने बताया कि जूं ऐसे मार रहा है? ऐसे करके उसको किसने बताया भाई? इसने। सुन लिया सब लोग ने, सुन लिया।
आज ही इनको मरवा के छोड़ूंगा आज घर आ गए हैं हम सूजी का चीला क्या है जूते हैं ये वाले ये बहुत गंदे हो रहे हैं भाई मैं इनको पता कैसे धोऊंगा तुम मेरा स्टाइल देख के मेरे कायल हो जाओगे दीवाने हो जाओगे तुम जूतों को साफ करने की एक बहुत ही बेहतरीन भयानक ट्रिक लाया हूं मैं आपके लिए इसके लिए जूतों को पहनना पड़ेगा वैसे तो इनको ड्राई क्लीन के लिए भेजना चाहिए पर ये तरीका इतना कारगर है कि मतलब अगर उसको हाथ से धो तो हाथ भी थके ये भी थके इसमें क्या होता है शू पूरा कंट्रोल में रहता है दिखाऊं क्या बात है अभी कंपैरिजन दिखाएंगे इसका अगर तुम्हारे जूते चांदी जैसे नहीं चमके ना मेरा नाम बदल देना कुछ जरूरत नहीं पड़ी ना शूज पकड़ने की झंझट ढंग से जूता साफ करना हो तो जूते के अंदर पैर चलाने लो अभी चला रहा हूं मैं भाई मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूं मुझे नहीं मिला पर मेरे जूतों को रूप निखार का ऐड मिल गया मेरे जूते स्टार बन चुके हैं रूप निखार के ऐड में आएंगे अभी रूप निखार साबुन नहीं आता जो अंदर अभी करोगे अब ये लगा रहे हैं हमारे घर में गैस पाइपलाइन वही लोग ड्रिल कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग में लग रहे हैं आज ये अब गैस पाइपलाइन तुम लगा रहे हो तो उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है मुझे क्या दे रहा है हम तो छोड़ के जा रहे हैं मेरे जूते ऊपर सूख रहे हैं यार वो भी इन्होंने सड़ा दिए होंगे भाई तुम ये बताओ पहले चमक गए ना ये ये तो समझ में आ गया कि पूरा दिन यही चलेगा यहाँ पर आज मीनू का भी वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो वो ऑफिस चली गई मैंने अपने लिए चावल बनाए और मीनू दाल बना के गई थी सुबह आज अपने को कुछ ऑडिशंस क्लियर करने हैं तो वो अभी बनाऊंगा मैं थोड़ी देर में फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे ओ भैया आ जाओ ओके मैं नहा रहा था ना तो वो बेचारा आवाज मार रहा था बाहर से मैंने कहा 5 मिनट बाद आइए